हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण व्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, और आज मैं खेत में लेट जा रही हूँ क्योंकि पापा को भी ड्यूटी जाना था। तो मैं घर पे नाश्ता वगैरह बना रही थी, घर के काम काज निपटा रही थी, और मम्मी चले गई थी सुबह 5:30 बजे खेत में, क्योंकि आज हमने धान काटना है, धान की लवाई आज फिर से। कल आपने देखा होगा जो हमने धान काटा हुआ था उसकी मंडाई करी थी, तो काफ़ी धान अभी बचा हुआ था काटने के लिए, तो वो आज पक गया है। तो मम्मी लोग जा रहे थे वहाँ पर और चाची लोग भी जा रहे थे मम्मी के साथ, तो मैं उनके लिए चाय वगैरह लेके जा रही हूँ। तो चलते हैं खेत में, मम्मी लोगों से भी वहीं पर मिलाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं अपनी क्विनो वाली सार में, और वहाँ पे कल हमने मंडाई करी थी धान की, और यहाँ पे देखो आज हम लवाई कर रहे हैं धान की। मम्मी तो आ गई थी सुबह अंधेरे में, अंधेरे में आ गई थी मैं, और धीरे बोलने वाली। प्रणाम केनगन। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक? दोस्तों, अंधेरे में आ गई थी, 4 बजे उठ गई थी दोस्तों। क्या कहता, देखो ये तोर भी वहाँ बैठी है मेरे को। आजकल इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है दोस्तों, अब क्या कहना, गोबर एक दुफेंगे क्या। और यहाँ पे धीरे बोलने वाली चाची भी हैं हमारे साथ, जो कि मम्मी के साथ सुबह आ गए थे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, अच्छे होंगे, आप भी, हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। मैं भी इसके साथ, हम आ गए थे दोनों 5 बजे। अब तो मैं मोनिका ही चाय लेके, मैं चाय पी के घर जाऊंगी, मेरे भी घर में काम है। आप बता गए, बहुत जल्दी आ गई थी, बहुत लवाई कर दी। और यहाँ पे ये लड़की भी, ये हमारी फलानी चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम, आप लोग कैसे हो? हम, आप लोग भी ठीक ठाक हो गए, हम भी ठीक ठाक है। कमीज किसकी है ये, चाची की? मेरे लड़के की कमीज। अच्छा, ये हाथ, ये धान है वो काट रहा है यहाँ पे। अच्छा, दर्द हो रहा, ना रहे ना पानी से, वो चमराट पड़ रहा है, नकरा चमराट पड़ रहा है, वो चमराट पड़ रहा है, स्किन खराब हो जाएगी। क्रीम तो क्या वो हो ही रखी है, तो थोड़ा सा लवाई करते हैं, उसके बाद पहले चाय ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा टी ब्रेक, उसके बाद करेंगे। ये देखो थोड़ा सा ही बचा हुआ है वैसे, तो जल्दी से धान की लवाई करते हैं, क्योंकि धूप भी देखो बहुत तेज वाली लगी है। तो दोस्तों, काम धाम तो होता रहेगा, सबसे पहले टी ब्रेक, पहले पेट पूजा है ना, सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम धंधा। हाँ, तो यहाँ पे देखो चाय बंद खा रहे हैं सबके सब। मैंने सोचा ये कब खाएंगे, मैं चाय पीऊंगी और घर जाऊंगी। हाँ, चाची का भी काम है घर में, तो हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, काटते हैं, उसके बाद थोड़ा मुझे बहुत खराब लगता है बीच में से घर जाना, पर क्या करूँ, काम लगा हुआ है, उसका भी काम है, क्या करें। नहीं, चाची आती रहती है ऐसे हेल्प करने के लिए। दोस्तों एक बात हो, पहले तो इसने छोटे गिलास ला रखे हैं, ये बंद में ना, ये चाय पूरी ये बंद छोड़ रहा है, तो मैं क्या छोड़ूंगी, मुद्दा क्या छोड़ूंगी, हमेशा बोलती हूँ बंद मत लाया करो, बंद चाय को कम कर देती है। कोई बात नहीं, चाय इसमें फुल है भाई, दोबारा ले लेना चाय, चाय की दिक्कत नहीं है। अब पानी है ना, पानी में बहुत अच्छा होता है, पानी छोड़ेगा भी तो कोई बात नहीं, पानी में वो चाय में नहीं है। तो दोस्तों मस्त करके यहाँ पे चाय पीते हैं, उसके बाद फिर से काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने खेत में जितना धान बचा हुआ था वो भी काट लिया है, और कोनका भी लगा दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोनका कैसे लगाया जाता है। और खेत में जितना भी काम बचा हुआ था, मैं सोच रही थी कि फिर से हमें अगले दिन आना पड़ेगा, और एक दिन का काम बचा हुआ था, लेकिन हमारी सब चाची लोग इतनी ज्यादा हेल्पफुल है ना, वो खेत में आए और यहाँ पे देखो पूरा काम निपट गया हमारा। हाँ दोस्तों, ये चाची भैया बोलो तो कुछ। दोस्तों अब क्या बोलना है, ये झुंगोरा झुंगोरा, ये सोच रही थी कल आएंगे, इसका काम आज ही हो गया, बहुत खुश हो रही है। दीदी बताया आ गई, दीदी ये बड़ी दीदी है, सबसे बड़ी है, हमको डांटती भी, फिर भी हमको बुरा नहीं लगता, इज्जत करते हैं, मंडली में और इज्जत भी करते हैं, इज्जत करते हैं मेरी, यही मेरे को बहुत अच्छा लगता। और नीचे खेत वाले भी चिल्ला रहे हैं कि हमने भी आना है, बल सब वहाँ नीचे और दीवानी हमारी। हाँ, अभी मिलाएंगे उनसे भी रास्ते में। तो फिलहाल इस खेत का भी हमारा काम निपट गया, मतलब जो वहाँ पे कोनका लगा रखा है, 3 दिन बाद आएंगे मारने के लिए। ड्रेस अलग हो गई है हमारी, अलग आजकल स्वेटर नहीं बन रही है, हाँ, कमीज पहन रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों गांव में ऐसे ही मिलजुल के काम किया जाता है, अगर किसी का काम छूट गया तो सब लोग उनके साथ जाते हैं, तो ऐसे ही सबका काम निपटाया जाता है। तो फिलहाल अभी हमारा भी इस खेत में काम निपट गया, मंडाई के लिए आएंगे तो उस दिन आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं, धूप भी हो गई है, टाइम भी काफी हो गया अभी। तो दोस्तों एक दादी जी ये हैं जो हमारे साथ हेल्प करने के लिए आई खेत में। हेलो बोला, कहीं जा रखे थे? हाँ, और दादी कहीं जा रखे थे, मैंने आवाज दी, दादी भी फट से आ जाती है एक ही आवाज पे। दादी की बहन वीडियो देखती है ना, हाँ, तो वो भी वीडियो देखेंगे। और यहाँ पे चाय बची हुई है, तो चाय पी लो एक बार, तब करेंगे काम। बैठा चाय पे आया था, तो थोड़ा ये ऊपर साइड यहाँ पे मंडुआ बचा हुआ है, तो थोड़ा बहुत इसको काटेंगे। और ये देखो ये लग गया हमारा कोनका, चलते हैं फिर।
तो दोस्तों धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, सुबह के लगभग 10 बज गए हैं और अभी हमारी तैयारी होने लगी है घर जाने की। और मैं कह रही थी खेत के काम निपट गए, मतलब उस वाले खेत के जो उस वाले छोर में है वहाँ पे धान काट दिया है और जो मंडुआ था ऊपर साइड थोड़ा बहुत वो भी काट दिया है। लेकिन कल जो हम इस खेत में मंडाई कर रहे थे उसका जो हमने ये न्यार था वही सुखाने डाला हुआ था, तो इसको अभी बांध के घर ले जाएंगे। एक भारी यहाँ पे लगा दी मम्मी ने मेरे लिए और एक यहाँ पे लग रही है, तो ऐसे करके धीरे धीरे करके काम निपटेंगे। तो फिलहाल अभी इसको ले जाएंगे, फिर शाम को भी आएंगे एक भारी के लिए। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई है तो चलते हैं, अभी घर में बहुत सारे काम है, कमली को पानी पिलाना है, खाना वगैरह बनाना है, तो चलते हैं जल्दी से भारी लगाते हैं फिर घर चलते हैं। तो दोस्तों आजकल ऐसे देखो रस्तों रस्तों में मिलना हो रहा है हमारी चाची। प्रणाम राधे राधे जी माता जी, दोस्तों कैसे हो आप लोग दोस्तों? तो दोस्तों आजकल मिलना भी कहाँ हो रहा है, थकान लग रही है बहुत सुबह शाम, थकान की तो छोड़ो ना, पर मिल नहीं रहे हम, काम हो गया बहुत ज्यादा दोस्तों। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपको, आप मेरे लिए बहुत सारे कमेंट करते हैं दोस्तों, और मैं धन्यवाद करती हूँ उस प्रियंका नानी को जो कि कालिया भाई के साथ चौमिन नहीं है कालिया भाई के साथ बहुत मदद कर रही है, तो उसको मैं बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, उसकी मम्मी को भी। और उसके बारे में हम डिटेल में तब बताएंगे कि क्या क्या बात है, क्यों जा रखी है समा। अभी टाइम ही नहीं है, चलो भारी भी हो गया तो चलते हैं, आप लोगों को डिटेल में बताएंगे तब बाद में। तो दोस्तों अभी हम लोग मंदिर के यहाँ पे पहुँच गए हैं और सबको बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, थकान भी लगी थी, और हमारी बुड्ढी जी भी हैं यहाँ पे। हेलो, प्रणाम यार, आशीर्वाद यार, प्रणाम न कर, आइसक्रीम निकालो गर्म हो गया होगा। थैंक यू, वेलकम, ले आइसक्रीम खावा लव यू तई। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू की कोई बात नहीं, थैंक यू आपको हमारा काम करने के लिए, गाड़ा गाड़ा छह तो कुनाल जू, थैंक यू बहुत, छह जी हो गया ना सबको। अरे हमारी माता श्री यहाँ पे आइसक्रीम, ये देखो बुड्ढे पे बढ़िया, और बुड्ढी की बहन भी देखते हैं बल वीडियो, उनका फोन आ जाएगा कि आइसक्रीम खा रही थी, खूब खूब फनी है हमारी बुड्ढी जी। तो यहाँ पे देखो सब भारे बिसा रखे हैं, उसके बाद चलते हैं घर। तो दोस्तों दिन का खाना भी मेरा बन गया है, तो आप लोगों को दिखाते हैं दिन के खाने में आज मैंने क्या बना रखा है। ये है कड़ी यानी कि पलियो, जिसको गढ़वाली में पलियो बोलते हैं, और ये है कद्दू की सब्जी, और यहाँ पे मैंने भात भी बना दिया है। तो ये देखो आज मैंने बनाया है कड़ी भात यानी कि पलियो भात। तो दोस्तों अभी दिन का खाना भी बन गया है, और दिन के खाने में मैंने पलियो भात और भुजी बना रखी है, पलियो यानी कि कड़ी, गढ़वाली में हम लोग पलियो बोलते हैं, और कमली को पानी भी पिला दिया है। और घर में आने के बाद ना, जब से घर पे आई एक मिनट भी नहीं बैठी, वैसे घर के काम सारे ऐसे हो रखे थे, मतलब सुबह जल्दी चले गई थी खेत में, फिर घर में करना किसने था, मम्मी मैं खेत में थे, अनमोल स्कूल चले गया था, पापा भी चले गए, नहीं तो पापा कभी दिन का खाना बना लेते थे, और परसों तक शीतल थी तो शीतल भी कभी कभी जैसे सब्जी बना लेती थी, मैं रोटी बना लेती थी, थोड़ा काम बढ़ जाता था, उतनी थकान नहीं लगती थी। लेकिन अब ऐसा हो रहा ना, खेत से आओ फिर खाना बनाओ, और खेत से आने के बाद इतनी ज़्यादा थकान लग जाती ना, ऐसा होता कि यार कोई खाना बना के दे देता तो मज़ा आ जाता, तो ऐसे हो रहा है आजकल, यही रूटीन चल रहा है, ना मुंह धोने की होश रह रही है, ना बाल बनाने की होश रह रही है, और काम के साथ साथ फिर ब्लॉग बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, कभी कभी तो ऐसा होता है इतनी थकान लग जाती है मन करता है फ़ोन ही नहीं उठाना, सीधे सो जाना है। तो नींद भी आजकल ऐसी आ रही ना, सही में पता ही नहीं चल रहा कि शाम कब हो गई, जैसे अभी दिन में सोएंगे ना फिर शाम पता ही नहीं चलता कब हो गई, रात को भी सोएंगे ना बीच में एक बार नींद नहीं खुलती, इतनी ज़्यादा थकान लग जाती है। फिर शाम को भी जाना, अभी हमें खेत में शायद से न्याय लेके आएंगे, जो धान का घास था वो भी सूख गया होगा, कुछ तो हम लेके आ गए थे लेकिन कुछ अभी बचा हुआ तो उसको भी लेके आएंगे। तो खाना बन गया है, थोड़ी देर में खाना खाते हैं, उसके बाद आराम करते हैं, फिर शाम को दिखाते हैं क्या होता है कि क्विनो वाली सार में जाता है या फिर दूसरे खेत में जाते हैं। दोस्तों अभी शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं, और यहाँ पे देखो हम ऊपर न्यार लगा रहे हैं, जो धान की घास हम सुबह लेके आए थे, तो हमारी प्रिंस चाची लगा रही ऊपर पेड़ पे। हेलो, ये देखो डलखवा पेड़ पे, तो मुझसे चढ़ा नहीं जाता, तो मैंने अपनी दुरानी को बोला, सिंगर की दुरानी है वो, सिंगर को अभी बोला था, वो भी नहीं चढ़ पाती है पेड़ पे, उसने बोला मेरी दुरानी, उसने दुरानी को भेजा। हाँ। तो दोस्तों एक भारी और लेके आई मैं, हाँ, एक ही भारी बची हुई थी वहाँ, इसीलिए मम्मी गई। और ये देखो ऐसे चुपली बनानी पड़ती है इनकी, चुपली बांधते हैं इनकी, ये देखो। हाँ, तब ऐसे डालते हैं, तब टांगने के लिए सही हो जाता है ना, बरसात में खराब नहीं होता है और बाद में देने के काम आता है भैंसों के। तो दोस्तों अभी रात के 9 बज रहे हैं, और अभी हमारा डिनर भी हो चुका है, और मैं छत में बैठ रही हूँ क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैंने सोचा यहीं पे ब्लॉग भी एंड कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा,
तो ठीक है, फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।